हाय दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबों को एक और बार फॉरेक्स गुरुकुल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे, लैगिंग इंडिकेटर्स के लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, उनको यूज करने के तरीके को जानेंगे हम लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने लैगिंग इंडिकेटर्स का हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, मेरे यूजर नेम पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर वाला वीडियो देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रख देता हूँ। अच्छा, तो हमने उस दिन देखा लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में, आज हम लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में जानेंगे। मूविंग एवरेजेस मेरे ख्याल से सबसे कॉमन अगर कोई इंडिकेटर है जो सभी के चार्ट्स में होते हैं तो वो मूविंग एवरेजेस होते हैं, भले वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हों या टेक्निकल एनालिसिस करते हों या प्राइस एक्शन देखते हों, हर आदमी कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को ज़रूर यूज़ करता है। और मूविंग एवरेज एक ऐसे ही इंडिकेटर है या एक ऐसा टूल है जो मेरे ख्याल से सभी को यूज़ करना चाहिए। एक बहुत ही पुरानी कहावत है भाई ट्रेडिंग में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लोग कहते हैं ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड होता है। अगर ट्रेंड को समझना है तो आपको लैगिंग इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना है तो आपको मूविंग एवरेजेस को समझना पड़ेगा। अगर आप याद करेंगे तो हमारे पहले पार्ट पे हम लोगों ने वो कार का उदाहरण लिया था कि भाई वो जो 10 मिनट का हमने एवरेज निकाला, हर मिनट में जो एवरेज स्पीड था उसको हमने ऐड किया, जब हमने उसको 10 से डिवाइड किया हमें एवरेज मिला जो 10 पिछले 10 मिनट का एवरेज स्पीड, और फिर हमारे 11वें मिनट और 12वें मिनट के स्पीड के हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि ये मार्केट अभी तेजी में है या गाड़ी तेजी में है या गाड़ी स्लो होने वाली है, स्लो डाउन होने वाली है। उसी प्रकार से मूविंग एवरेज भी अपने अनुमान लगाता है। अच्छा, तो चलिए हम मूविंग एवरेज लगाते हैं और आप खुद ही जान जाएंगे क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम एक मूविंग एवरेज लेते हैं और मूविंग एवरेज पीरियड 10 का लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो पीरियड का मतलब हुआ, जैसे हमने उस गाड़ी के उदाहरण में देखा था कि 10 मिनट का, बराबर यहाँ पे हम जब 10 कहते हैं तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेली, तो ये डेली का मतलब ये हुआ कि ये 10 दिन का, पिछले 10 दिन का किस पे अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाइंग टू क्लोज, इसका मतलब क्लोजिंग वैल्यू का। हर कैंडल में चार वैल्यूज होते हैं, हमने देखा वो भी, ओपन क्लोज हाई और लो। हमारे कैंडलस्टिक वीडियोस को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये जो है ये 10 का जो पीरियड लगा है वो हम क्लोज के वैल्यू को लगाएंगे, ठीक है। तो हमने पीरियड लगाया 10, हमने लगाया क्लोज, हम कलर ले लेते हैं, आपको जो भी इच्छा हो वो कलर हम ले लेते हैं, चलिए वाइट ले लेते हैं, राइट। चलिए, तो ये एक लाइन बन गई, दिख रहा है आपको, चार्ट को ध्यान से देखिए, ये लाइन बन गई। अब ये लाइन है मूविंग एवरेज लाइन। ये जो लाल कैंडल है वो सारे कैंडल्स वो हैं जिनमें प्राइस गिरे थे, वो जो ब्लू कैंडल्स हैं वो कैंडल्स हैं जिसमें प्राइस बढ़े थे। अब ये जो है ये मूविंग एवरेज है। अच्छा, तो ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, चलिए ये वाला कैंडल हम लेते हैं जो लास्ट कैंडल है हमारे इस चार्ट पर, इस कैंडल को हम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मूविंग कैंडल यहाँ पे गिरी हुई है और मूविंग कैंडल मूविंग एवरेज यहाँ पर है, ये देखिए। अब ये जो मूविंग एवरेज है हम जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 29.50, 1.2950। ये जो है ये मूविंग एवरेज की वैल्यू है। कौन से मूविंग एवरेज की वैल्यू है, 10 के पीरियड की मूविंग एवरेज की वैल्यू है। 10 का पीरियड किस पे अप्लाई किया था हमने, 10 का पीरियड हमारे क्लोज पे अप्लाई किया था। इसका मतलब इस कैंडल के क्लोज, इसका कैंडल का क्लोज है 1.2837, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इसका क्लोज प्लस इसका क्लोज तीसरे कैंडल का प्लस चौथे कैंडल का क्लोज प्लस पांचवें कैंडल का क्लोज प्लस छठे कैंडल का क्लोज प्लस सातवें कैंडल का क्लोज प्लस आठवें कैंडल का क्लोज 1.3031 प्लस नौवें कैंडल का क्लोज 1.3160 प्लस दसवें कैंडल का क्लोज और वो है 1.3075। यहां से लेकर ये दसवां कैंडल है यहां तक के जितने भी क्लोज हैं, इन सभी को जब हमने ऐड किया और उसको डिवाइड किया 10 से तो हमें यहां पे ये एवरेज मिलता है। मतलब इस कैंडल पर
हमें ये एवरेज मिला है 1.2950 और अभी हम कह रहे हैं कि भाई मार्केट जो है 1.2950 मतलब मेरे 10 पिछले कैंडल के वैल्यू से उसके उसके एवरेज से अभी का मेरा जो क्लोज है वो नीचे की तरफ है, मतलब मार्केट मंदी में है। ख्याल आया आपको? चलिए थोड़ा सा एक विजुअली हम देख लेते हैं। देखिए चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट को देखते हैं, थोड़े से इंटरप्रिटेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मार्केट नीचे आकर क्लोज होना शुरू हुआ इस एवरेज के, ये अपना जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जब से क्लोज हुआ मार्केट, ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरा। यहां पर देखिए मार्केट जब से ये ऊपर आके क्लोज हुआ ब्लू इस मूविंग एवरेज के, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए नीचे की तरफ क्लोज हुआ मार्केट, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ मार्केट, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए एक बार ये ऊपर क्लोज हुआ, वहां से लेकर पहली बार मार्केट यहां पर आके नीचे क्लोज हो रहा है, इधर नीचे क्लोज हुआ उसके बाद में मार्केट नीचे क्लोज होना शुरू हुआ, ये देखिए ऊपर क्लोज हुआ उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, इधर देखिए यहां पर पहली बार मार्केट नीचे क्लोज हुआ उसके बाद में वहां से मार्केट गिरा, दूसरी बार मार्केट नीचे क्लोज हुआ, यहां से लेकर ऑलमोस्ट यहां तक मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जाके नहीं क्लोज होता है। एक सिंपल लॉजिक है ये कि भाई अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है मार्केट, मतलब मार्केट तेजी में है क्योंकि 10 के पीरियड का पिछले 10 कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, और अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है जैसे कि यहां पे हमने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 कैंडल के मूविंग 10 कैंडल के जो एवरेज है उससे मार्केट कम में नीचे क्लोज हो रहा है, मतलब मार्केट का मोमेंटम जो है वो अभी धीमा है और मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है या मार्केट गिरने की तरफ जा रहा है। हमें ये मोमेंटम बताता है मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट का, ठीक है? ये तो हमने एक ही कैंडल लिया, ये देख लीजिए आप, थोड़ा आगे से देखते हैं। ये देखिए मार्केट ऊपर क्लोज होना शुरू होता है, मार्केट फिर ऊपर ही क्लोज होता रहता है। देखिए आप, मार्केट नीचे क्लोज होता है उसके बाद में मार्केट नीचे क्लोज होता है, मार्केट ऊपर क्लोज होता है फिर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है नीचे, मार्केट ऊपर क्लोज होता है मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे क्लोज होता है फिर मार्केट नीचे आता है, आप दिख रहे हैं? तो ये तो एकदम रफ कट हुआ, ये देखिए कितनी बखूबी, देखिए एक बार ऊपर क्लोज हुआ मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया, नीचे क्लोज हुआ मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर क्लोज हुआ इस लाइन के मार्केट ऊपर की तरफ भागा, नीचे क्लोज हुआ, ये देखिए दिख रहा है आपको? ये देखिए यहां से देखिए ऊपर की तरफ क्लोज हुआ मार्केट ऊपर ही रहा, नीचे क्लोज हुआ मार्केट, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ मार्केट ऊपर ही रहा, नीचे की तरफ क्लोज हुआ मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है भाई मार्केट का, कि भाई मार्केट अगर समझो मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है और मार्केट अगर मेरे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है तो मंदी है और ऊपर क्लोज हो रहा है तो तेजी है, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा आप कि इसकी सीमा इसलिए है क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, हमारा जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन है वो पिछले 10 कैंडल का इन्फॉर्मेशन है, किसी भी जगह पर जब हम हाथ रखते हैं वहां का जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछले 10 कैंडल्स का इन्फॉर्मेशन है। तीन प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, एक जो लैगिंग इंडिकेटर्स होता है, दूसरा जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और तीसरे साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। यकीन मानिएगा आज मैं बोल रहा हूं, कल को कोई और आके आपको बताएगा, बहकाएगा ये कहकर कि आप हमारा ये मूविंग एवरेज का सिस्टम ले लीजिए या इस प्रकार का सिस्टम ले लीजिए उस प्रकार का सिस्टम ले लीजिए 100% सही रहेगा, ये सब गलत बातें हैं, ये सब मार्केटिंग बातें हैं। किसी भी सिस्टम में अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, अगर आप इमोशनल डिसिप्लिन को नहीं समझते हैं, अगर आप मनी मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, तो आप इस जन्म में कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये एक जर्नी है जिस जर्नी में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, आप साथ में चलेंगे तो आपको ख्याल आएगा धीरे 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 करके एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर हम बनाते जाएंगे, हमारे लॉजिक को हम खोलते जाएंगे और उसके बाद में आप एक परिपूर्ण एक कंप्लीट ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप केवल
मैं यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसको लेकर आप 5 मिनट के, 1 मिनट के कैंडल स्टिक्स में आप उठाकर ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में डालकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप बिल्कुल नाकामयाब हो जाएंगे। चलिए अब हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक मूविंग एवरेजेस के, एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग नाम है उनका, लेकिन हम एक सिस्टम, एक छोटा सा सिस्टम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम दो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस लेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप अपने बर्थ डेट और आपके गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट बताइए, तो विवेक मित्तल साहब ने अपना बर्थ डेट बताया, वो उनका बर्थ डेट है 10। और अब एक और हम मूविंग एवरेज डाल देंगे, उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट है, उन्होंने कहा उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट 25। चलिए हम 25 को हम क्लोज पे ही रहने देते हैं, कलर अलग से कर देते हैं, चलिए येलो कलर कर देते हैं, राइट, ग्रेट। देखिए तो अब ये सिंपल है, क्या है हमारे हाथ में, अभी हमारे हाथ में अभी दो मूविंग एवरेज है। ये जो वाइट है वो 10 का मूविंग एवरेज है, मतलब ये पिछले 10 कैंडल को कैलकुलेट करता है क्लोज, उसका एवरेज निकालता है। ये जो येलो लाइन है वो 25 का मूविंग एवरेज है, मतलब वो पिछले 25 कैंडल को, उसके क्लोज को कैलकुलेट करता है, उसका मूविंग एवरेज निकालता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब दोनों लाइनें डाल दी तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइनें विवेक मित्तल साहब और विवेक मित्तल साहब की गर्लफ्रेंड के बर्थ डेट्स जो हैं वो इस प्रकार से, देखिए एकदम बिल्कुल रास लीला खेल रहे हैं, यहाँ पर कभी ये ऊपर है कभी वो ऊपर है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए आपको मैं बस मैं चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जब जब ये फास्ट मूविंग एवरेज में, फास्ट कौन सा होगा, 10 वाला होगा, जाहिर है ये जो व्हाइट कलर का हमारा मूविंग एवरेज है वो 10 वाला वही फास्ट होगा। तो जब हम देखते हैं कि फास्ट मूविंग एवरेज जब हम डालते हैं, वो जो फास्ट मूविंग एवरेज जो है 10 का रेंज का, वो जल्दी ऊपर जाता है जल्दी नीचे आता है। ये देखिए जब भी वो उसके नीचे आता है 25 के मूविंग एवरेज का, तब एक मार्केट में मोमेंटम है नीचे आने की तरफ। ये देखिए जब भी ये व्हाइट लाइन क्रॉस करके 25 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तब मार्केट में ऊपर की तरफ है। ये देखिए वापिस जब उसने क्रॉस किया यहां पर, देखिए ये देखिए वापिस उसने ये लाइन क्रॉस किया, वहां से मार्केट नीचे की तरफ है। एक सिंपल चीज है ये, हमने इसमें ना ऑप्टिमाइजेशन किया ना हमने कोई टेक्निक लगाया, हम केवल ये देख रहे हैं कि भाई देखो रैंडमली हमने विवेक मित्तल साहब का बर्थ डेट लिया, उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट लिया, और हम लोगों ने एक सिस्टम यहाँ पे बना दिया, और ये सिस्टम कहता है कि भाई जब जब ये येलो लाइन के ऊपर व्हाइट लाइन जाता है मार्केट तेजी में है, येलो लाइन के नीचे मार्केट जब भी व्हाइट लाइन आता है तो मार्केट मंदी में है। ये देखिए आप, ये देखिए, दिख रहा है आपको। चलिए हम एक काम करते हैं, जहां जहां ये क्रॉसओवर होता है वहां पर हम एक लाइन बना देते हैं, वर्टिकल लाइंस, तो आपको ख्याल आएगा। अल्ट्रा शॉर्टकट समझना किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपका फास्ट हो जाएगा। ये देखिए जहां जहां, मेरे ख्याल से ये यहां पर है, नहीं उसके भी पहले, ये देखिए जब जब, अब हम ये बहुत बोल सकते हैं कि जब जब भाई विवेक मित्तल साहब के वाइट रेखा, ये देखिए, ठीक है, और भी थोड़े दो तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये देखिए नीचे आया मार्केट, ये देखिए जहां जहां पर भी हमें ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस करती है उसके बाद में मार्केट तेजी में आता है या मार्केट मंदी में आता है, बस इतना ले लेते हैं, काफी एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए यहां से मार्केट, ये देखिए ये व्हाइट लाइन नीचे आई उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा, व्हाइट लाइन ऊपर गई उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये देखिए ये व्हाइट लाइन नीचे आई येलो से, मार्केट नीचे की तरह है। ये देखिए
जब जब ये वाइट लाइन नीचे की तरफ आती है ये लो से, तब तब मार्केट नीचे की तरफ जाता है। जब जब 10 का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 25 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तब तब मार्केट ऊपर जाती है। देखिए यहाँ से क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर, यहाँ से क्रॉस हुआ नीचे की तरफ, मार्केट नीचे, यहाँ से क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर, यहाँ से क्रॉस हुआ नीचे की तरफ, मार्केट नीचे, यहाँ से क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, थोड़ा मार्केट ऊपर, उसके बाद और यहाँ से क्रॉस हुआ नीचे की तरफ, मार्केट नीचे। मूविंग एवरेजेस ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है, पूरा पूरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वो टच करके आ गया लेकिन नीचे ही रहा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्रॉस किया, टच करके ऊपर लगा रहा लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा और हमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखे गया हो। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को दो मूविंग एवरेज आसानी से बता सकते हैं आपको। ख्याल आया आपको? ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं लेकिन ये मार्केट के मोमेंटम को बताते हैं, मार्केट की दिशा को बताते हैं कि मार्केट किस तरफ अभी मुड़ रहा है। वो हमें हमेशा लैगिंग इंडिकेटर से हमको पता लग जाता है। हमें कम से कम एक लैगिंग इंडिकेटर हमारे सिस्टम में होना चाहिए ट्रेंड को समझने के लिए, ताकि हम ऐसा ना कर दें कि मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो एक बहुत ही आसान चीज़ है ट्रेंड समझने के लिए। अब इसको ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ट्रेंड जरूर समझ में आएगा कि अभी हो क्या रहा है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट कौन सी दिशा में जाना चाहता है। हमने इतने सारे क्रॉसओवर देखे, कम से कम 10 क्रॉसओवर देखे, हर क्रॉसओवर में एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जब भी 10 का, ये तो रैंडमली लिया है हमने, विवेक मित्तल साहब और उनकी गर्लफ्रेंड का रैंडमली ले लिया हमने बर्थ डेट, अभी तो हमने एंट्री नहीं देखा, अभी तो हमने एग्जिट नहीं देखा, अभी तो हमने स्टॉप लॉस नहीं देखा, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, तब भी अगर आप एक जनरिक सेंस में देखें तो आप बता सकते हैं कि मार्केट मोमेंटम में आई है तेजी की तरफ अगर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हुआ है, मोमेंटम में आती है मार्केट मंदी की तरफ अगर क्रॉसओवर नीचे की तरफ होता है। तो ये केवल एक ट्रेंड को समझने के लिए, दिशा को समझने के लिए यूज किया जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिस्टम इसमें से कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि हम इसमें से एक सिंपल सिस्टम, एक क्रेजी सिंपल सिस्टम कि जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि देखो ये यहाँ से एंट्री है और यहाँ से मैं एग्जिट कर सकता हूँ, वो कैसे कर सकते हैं वो हम अगले इसमें बताएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक होमवर्क करो, ठीक है, और उसके लिए मैं आपको एक सिस्टम देना चाहूँगा, एक सिंपल मूविंग एवरेज सिस्टम है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना सिस्टम है और आज भी अगर आप ढूंढोगे कहीं देखोगे तो इस सिस्टम के बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़े तो होंगे। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, एक 5 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर सिस्टम है और उसके 2-3 सिंपल रूल्स हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप 70% ऑफ द टाइम आपके ट्रेड्स पॉजिटिव हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन के सिवा तो आप मर जाओगे, वो याद रखना, लेकिन अगर आप उन दोनों को ख्याल रखते हैं तो इस सिस्टम से आपको बहुत ही अच्छा एक फायदा हो सकता है। तो मैं आपको वो सिस्टम देना चाहूंगा, मैं आपको ईमेल में दूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग तो बड़े प्यार से मुझे बोल देते थे कि एडवर्ड पहला वीडियो बनाओ, दूसरा वीडियो बनाओ, हफ्ते में 3 वीडियो बनाओ, 4 वीडियो बनाओ। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए क्या करते हैं। भाई देखिए बात ऐसी है कि मुझे कम से कम 3 घंटा लगता है यार, 4 घंटा लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, बोलने में। मैं बोल भी नहीं पाता हूँ ठीक से और मुझे 4 बार बोलना पड़ता है, याद भी नहीं रहता और मेहनत लगता है ये वीडियोस बनाने में। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ करें, बराबर, कितना प्यार करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी तो देखूँ। आपको मैं जो अभी असाइनमेंट देने वाला हूँ वो सिर्फ 5 मिनट का लगेगा, मुझे 5 घंटा लगता है वीडियो बनाने में, एक आपको 5 मिनट का काम दूंगा, वो जो करेगा मैं उसको मेल कर दूंगा। सबसे पहली बात तो आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। दूसरी बात, आप जाके अपने सारे वीडियोस में एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए ताकि दूसरे जो अनजान लोग हैं वो हमारे कमेंट्स के द्वारा हमारे वीडियोस को क्या बोलते हैं उसको ढूंढ सकते हैं आराम से या उसको देख सकते हैं। तीसरी बात, मुझे एक मेल भेजिए आपके YouTube आईडी को डालकर, कि आपका YouTube का जो आईडी है कि भाई ये है, उसको मेंशन करते हुए, क्योंकि आपने जो फीडबैक्स दिए होंगे और सब्सक्राइब किया होगा तो मैं देख लूंगा, उसके बारे में डाल के मुझे सिंपली कह देना कि भाई जरो मेरा XYZ नाम है यूट्यूब पर, करके मुझे एक मेल भेजिए। और
मैं आपको वो टेम्पलेट भेज दूंगा जिसको बस आपको लोड करना है, फिर आप राइट क्लिक करके टेम्पलेट करके मारोगे तो इमीडिएटली आ जाएगा। और एक स्पेशल इंडिकेटर भी भेजूंगा मैं, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज में जो भी एडवांस और मिड लेवल के ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए, तो आप उसको स्टडी करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, मैं वो भेजूंगा आपको, ठीक है। और वो हर बार रिन्यू करना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि जो सबसे एनर्जेटिक सब्सक्राइबर है, जो सबसे बढ़िया मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं बैठ के 5 घंटे का एक वीडियो बनाऊं, तो मैं उनको एक 1-on-1 सेशन देना चाहूंगा स्काइप पर। आपको जो सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, जो विनर रहेगा उसके लिए जो सवाल, एनीथिंग यू कैन आस्क एनीथिंग एक्सेप्ट पर्सनल डिटेल्स को छोड़ के, बराबर पर्सनल बातें नहीं करने का। आपको जो भी करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, इन दोनों में जो भी सिस्टम्स के बारे में आपके डाउट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, किसको, जो सबसे एनर्जेटिक सब्सक्राइबर होगा अपना उसको, ठीक है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो में जाकर कमेंट कीजिए अच्छा सा, एक एनकरेजिंग और एक अच्छा सा एनर्जेटिक कमेंट करने वाले को मैं 1-on-1 स्काइप पर 1 घंटा मैं उसको आपके जो सवाल होंगे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होंगे उसके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे आता है तो दूंगा, अगर नहीं आता है तो फिर खुदा जाने। एनीवेज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ एडवर्ड जी, टेक केयर मैन, बाय।